गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो जीके के बेस्ट क्वेश्चन सीरीज मैराथन क्लास चलाई जा रही है, उसका पार्ट वन चैनल पीएस एकेडमी पर अपलोड हो चुका है और इसका पार्ट टू आज अपलोड होने जा रहा है। सभी लोग जीके के इसमें आल जीके, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे एनवायरनमेंट हो या मिसलेनियस विविद हो, सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करके एक पीडीएफ बनाई गई है। और खाकी का जुनून, जो खाकी का जुनून है पुलिस भर्ती के लिए, उसका पार्ट टू आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग देख लें, और जिन्होंने लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में जाके पार्ट वन देख सकते हैं जीके का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रदीप सर आपका, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, अब इससे क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि आना ही आना है, जो स्थलीय सीमा है उससे क्वेश्चन आना ही आना है। अब स्थलीय सीमा है वो कौन सी है? वो बांग्लादेश की है। कौन सी सीमा है स्थलीय? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अगर बात करेंगे हम लोग स्थलीय सीमा, तो किसकी है? बांग्लादेश की। अब लेकिन आप लोग इसमें स्थलीय देख लेना, जली तो गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अभी हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि अभी अगर अलग बात करेंगे तो उसमें फिर डिस्टरबेंस हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? क्योंकि जो गैस होती है कैसे पता चलेगा? हम लोग उसका टेस्ट थोड़ी करते हैं कि भैया चीख के पता चलेंगे कैसी गंध है। देखो उसमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि गैसी कण है। इसमें पता चलेगा इथाइल मरकैप्टन पदार्थ मिला दिया जाता है। साइंस के अंतर्गत ही क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, और बहुत बार पूछा गया है गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध के युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। आप लोग बस इथाइल मरकैप्टन यूज रखिएगा। वायुमंडल में और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगल बगल बन रहे हैं, चाहे वो ब्यूटेन का हो, चाहे वो इथिलीन एथेन का हो, जैसे फलों को पकाने, आप लोग अगल बगल के क्वेश्चन भी देख के जाइएगा। हम भी बता देते हैं, बट इसलिए कि वीडियो लंबा हो जा रहा, और जहां हमें आवश्यकता लगती है वहां पे मैं क्वेश्चन को डिटेल भी कर देता हूं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किसका? नाइट्रोजन का। कितनी परसेंट है? 78% है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे? उड़ीसा में है। और जगन्नाथपुरी की यात्रा भी वहीं से होती है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर निर्माण हुआ था। और जो बांग्लादेश है रोहिल्ला, एक कहाँ? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी उसी क्षेत्र उसी की सीमा से सटा हुआ है। कंप्यूटर भाषा में WW, आप लोग देखे होंगे कोई भी वेबसाइट स्टार्ट होती है तो वो WW, तीन W लगे रहते हैं। जैसे एक वर्ल्ड वाइल्ड वेब होता है, कहीं कहीं पर कॉम लगा रहता है, कहीं कहीं पर इन लगा रहता है। तो हम लोग इधर देखेंगे तीन W, तीन W। एक वो फिल्म भी आई थी कि W उल्टा लगा है, वहाँ पर धन लगा रखा हुआ है, पैसों का पेड़ है, पैसों का खजाना है, ऐसी कुछ करके है। तो WW, W से वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड मीन संसार होता है, वाइड बेब मतलब जालसाज, ये सब। एक किलो वाइड, जैसे हम लोग एक किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि 100 ग्राम के 10 वाट चढ़ जाते हैं एक किलो में। ऐसे ही जब जो फाइलें रेडी होती हैं कंप्यूटर में, सीधा सीधा मैं बता दूं आपको, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि स्पेस घेरा जाता है। जैसे आपने सुना होगा
512 GB रैम, 128 GB रैम जब हम लोग मोबाइल लेते हैं तो पहले नंबर क्या देखते हैं, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा कितने का है, बैक कैमरा कितने का है, और इसका प्रोसेसर क्या है, और कितनी इसकी कैपेसिटी है, यानी 128 GB है, रैम होता है, रोम होता है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। एक स्थाई मेमोरी होती है, एक अस्थाई मेमोरी होती है। अब उसमें क्या होता है कि कोई गाना है, मूवी है, वीडियो है, तो उसमें स्पेस निर्धारित किए गए। अब तोला थोड़ी जाएगा, उसको बाइट में निर्धारित किया गया है, 1000 बाइट यानी 1 KB। KB होता है, फिर GB होता है, GB के बाद TB होता है, टेराबाइट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। असेंबली बम में फेंकने वाले भगत सिंह के साथ कौन सा बटकेसर था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, UPPCSRI में भी पूछा गया था, राजस्व निरीक्षक में, कि असेंबली बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन था, 3 लोग थे, ये लोग बटकेसर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो 1940 में की थी, बट कब हुआ था, 1900 कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। तो जो भी प्रमुख पत्रिकाएं जैसे उद्दंड मारतंड हो गया और कई सारे हैं, तार सप्तक हो गया, प्रथम तार सप्तक, ये सारे क्वेश्चन देखे आप लोग। जब मैं ऐसे बताता हूँ तो आप लोग वो वाला कुछ ना करिएगा, बस हेडिंग नोट करते जाइएगा, इससे आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि जो हम देखो एक क्या होता है, पंडित जी से पूछा जाता है कि हमारी जो वस्तु है, चीज है, वो किस साइड गई है, तो हम लोग उस साइड ढूंढते हैं, दिशा की साइड। और एक ये होता है भैया चारों तरफ ढूंढो, तो हम पंडित जी हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भैया ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो। जैसे मैंने कहा कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, एनी बेसेंट ने। अब जैसे यहाँ पे मैंने नोट करा दिया आप लोगों को कि भैया पत्रिकाओं से क्वेश्चन आता है, आप लोग जैसे उद्दंड मारतंड हो गया, तार सप्तक हो गया, इसका आप लोग आंसर खोज के अपना सब पढ़ लीजिएगा। किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला गया, अमृत सेन को मिला गया। अब इधर ये क्वेश्चन आया, अब जैसे आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। मतलब जो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो उसको, जैसे अभी इसके पहले सचिन करके तेंदुलकर वो आय समिति उन्होंने दी थी कितने रुपए क्या है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया, ईश्वर चंद विद्यासागर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि ईश्वर चंद ने क्या दिया, तो राजाराम मोहन राय ने क्या दिया, दयाराम शास्त्री ने क्या दिया। एक गरम दल होता है, एक नरम दल होता है। गरम दल से आप क्या समझते हैं, लाल वाल पाल समझते हैं। लाल वाल पाल क्या है, लाल से लाला राजपत राय, पाल से विपिन चंद पाल, लाल से लाला राजपत राय, बा से बाल गंगाधर तिलक, और लाल वाल पाल बिपिन चंद पाल। आप जैसे लाला राजपत राय को लाठियों मारी थी, तो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी वो आगे आ गई थी, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन ये सब बनते लगते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की, इलाहाबाद के आयोजित दरबार में की। चलिए एक हम लोगों का चैप्टर हो चुका है, हम लोग चैप्टर बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को इतना बड़ा कर दिया जाता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल जिन दो धातुओं का मिश्रण है उसका नाम है तामा और जस्ता। क्या नाम है, तामा और जस्ता। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन डी। कहाँ से विटामिन डी मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, कॉर्निया नामक होता है साइड में, वो कुछ टाइम तक व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात भी जिंदा रहता है, जैसे दिल धड़क रहता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है।
और आज आप लोगों के लिए हो सकता है कि जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है यूपी का, उस पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप में है। और जो भारत आता है वो किस में आता है? एशियाई महाद्वीप में आता है, उसी में रूस वगैरह ये सब आते हैं। हैदराबाद किस नदी पर? मूसा नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है, सबसे छोटी सिटी है। स्वेज नहर से क्वेश्चन कंटिन्यू बनते रहते हैं। देखो, एक भूमध्य सागर होता है, एक लाल सागर होता है। भूमध्य सागर हो गया, अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, दो सागरों को जोड़ती है, कौन जोड़ती है? एक स्वेज नहर होती है, एक पनामा नहर होती है। यूपी में अगर सबसे बड़ी नहर का नाम पूछा जाए तो शारदा परियोजना यानी शारदा नहर आप लोग लगा के आइएगा, सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में पूछा जाए तो राजस्थान, राजस्थान अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा लग जाता है राजस्थान के बाद? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भी है। और वन में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। यूपी में पूछा जाए प्रतिशत तो सोनभद्र वगैरह है। वन पे भी क्वेश्चन आते हैं, एक पेज का रहता है टॉपिक। देखो, अब जैसे इसमें लिखा है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो अगर पृथ्वी 22 को मनाया जाएगा तो पृथ्वी के नीचे जल रहता है, अप्रैल के नीचे क्या रहता है? मार्च रहता है। क्या रहता है मार्च के पहले? अप्रैल के नीचे क्या रहता है? मार्च रहता है, क्योंकि मार्च पहले आएगा तो जल जमीन में रहेगा, तब तो पृथ्वी आएगी, तो जल दिवस हो गया। ये दोनों दिवस आप लोगों के एक ही डेट में रहेंगे, कोडिंग मैंने आप लोगों को बता दी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। आप उत्तराखंड से याद आया कि जो कोंक आंदोलन हुए थे, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, एपिको आंदोलन, कई आंदोलन, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस हैं। मैं बता सकता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पेपर में आते हैं एनालिसिस के आधार पे। जैसे इधर पूछ लिया सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी कान की स्टेपीज होती है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके पहले नीति आयोग के पहले कौन आयोग चलता था? योजना आयोग। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाता है, ये टीचर की निशानी। अच्छा, ये बताओ जो इसमें लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अनपढ़ थोड़ी हैं, आप लोग भी पढ़ सकते थे, बट आप लोगों को पढ़ने में मेरे में ये अंतर है कि जो भी उससे कोरिलेट क्वेश्चन करेगा तो हम लोगों को याद रहता है, मालूम रहता है पहले से, तो हम लोग वो क्वेश्चन उधार पर मेंशन कर देते हैं, बता देते हैं। सारे क्वेश्चन तो पहले से लिखना पॉसिबल नहीं है, वो तो ये है कि जब लेक्चर चलता है तो जैसे पढ़ाते जाते वैसे याद आता जाता है। आयने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। खूब मेन का टेनिस से, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। आप चित्तरंजन दास से याद आया, एक लोकोमोटिव कारखाना चित्तरंजन दास है, जैसे गाड़ी डिब्बे कारखाना कपूरथला कॉम्प्लेक्स है, और एक मडुआ डी वाराणसी में है, पहिया फैक्ट्री कहाँ पे है? रायबरेली में है। तो ये रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 होती हैं। भारत में सबसे पहले फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद थी, कौन थी? इसको क्या नाम फिल्म को दिया गया है? मूक बधिर। अगर कहीं कहीं पर मूक बधिर लिखा है मतलब बोले नहीं थे। कौन नहीं बोले थे? हरिश्चंद, उनकी पत्नी आई थी, रोहित नाम का लड़का था उसको शमशान घाट पे, तो वो पक्के थे, वो कह रहे थे पहले पैसे दो तब हम बोलेंगे, तभी मतलब पक्के थे, उन्हीं का लड़का था, ऐसे ऐसे तभी उनको राजा हरिश्चंद बोला गया है, दान में दे दिया था सब। आप एक पिक्चर आती है कि बोलती हुई फिल्म कौन सी है, तो बोलती हुई फिल्म जो है वो आलम आरा है। कौन सी है? आलम आरा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज बता दिए। देखो, जल्दी जल्दी खींचना है क्योंकि 26 पेज तक जाना है। पार्ट वन, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटना पर बनता है, यही चेंज हो जाता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण होता है।
एक और होता है फिजिक्स में परावर्तन अपवर्तन, एक होता है पूर्णांतिक परावर्तन, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। टी आई आर बोलते हैं इंग्लिश में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे ही कटे हीरे का चमकना, दरार जो रहती हीरे में कटे हीरे का चमकना। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे राजस्थान में मृगमारीचिका का बनना, यानी बालू में ऐसे फील होता है जैसे पानी हो। आप लोग जब बाइक लेके जाते हैं तो रोड पे चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आगे पानी भरा हो। विकिरण के द्वारा, इसी के द्वारा जो सौर ऊर्जा कुकर होता है वो भी उसी से खाना बना पाते हैं, विकिरण से गर्म कर। डीएनए की दो कुंडली का पता वाटसन एवं क्रिक ने, और जो इसको मॉडल का नाम दिया गया दुई हेलिक्स मॉडल नाम दिया गया है वाटसन एवं क्रिक, उसमें दशांग स्थान वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन से मतलब है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, डेसीबल में मापी जाती है, डीसी बोले तो डीवी, डीसी नहीं, एक पंखा होता ना, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। एसी क्या होता है, एसी ये होता है डायरेक्ट, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है घरों में आता है। एसी जो लाइट से चलते हैं, डीसी ये होता है कि बैटरी के द्वारा वो आपका पंखा चलेगा, उसको डीसी बोलेंगे। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, जैसे एपीकल्चर हो गया। अब मधुमक्खी इसमें लिखा है, अगर पूछ लिया रेशम कीट पालन तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। एक और होता है विटीकल्चर, विटीकल्चर मींस होता है अंगूर उत्पादन। तो तीन तो आप लोगों को याद करना ही करना है। आप लोग सोचते होंगे कि बकवास है, कौन सुने एक घंटे, अगर आप इसको चला के ही रख दें तो आप लोगों को बहुत क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। आप लोग एक बार सुन के तो देखिएगा, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, जो प्रथम पृष्ठ होता है उसको होम पेज कहते हैं। देखो जैसे अपन लोग यूट्यूब चलाते हैं तो कहीं कुछ खुला रहता है, कुछ खुला रहता है, तो कहते भैया होम पे जाओ, होम पे क्लिक कर देते हैं तो होम पे पहुंच जाते हैं। अब गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस दृष्टि दोष के कारण किया जाता है, तो देखो इसका कोडिंग है दूर दृष्टि दोष के लिए। किस दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष, अगर दो अक्षर हैं तो कोड बनेगा तीन का उत्तल, और अगर दूर और अगर निकट हो गया, निकट में कितने अक्षर रहेंगे, तीन रहेंगे, तो इसमें अवतल का अब आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और समझा दें, देखो इसमें दूर लिखा दादवो तो रारस्सी, दो अक्षर हैं तो कोड बनाया मैंने उत्तल, ये कहीं लिखे नहीं है, मेरे द्वारा कोड बनाए गए हैं। जब आप लोग किसी चीज को गहराई से सोचते हैं तब आप लोगों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। निकट ना काटा, तीन अक्षर हैं तो तीन पे क्या कोडिंग बनेगी, चार, मतलब एक प्लस करना है। अवतल निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को बीमारी है दूर दृष्टि दोष की, निकट दृष्टि दूर की, हमें क्वेश्चन आ गया कौन से चश्मे का यूज किया जाएगा, तो आप लोग बता देंगे। दूसरी चीज, गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण की खास बात क्या है, उत्तल दर्पण की खास बात ये है, आप लोग सोच रहे हो किसी से देख के बता दे, देख के नहीं बता दे भैया, जो भी माइंड में आता जाता सेट है सब निकलता जाता है, मशीन स्टार्ट तो स्टार्ट। तो जो उत्तल लेंस होता है उसमें क्या होता है कि जो गाड़ियों के साइड मिरर होते हैं उसमें जैसे दूर से वाहन आता है तो उसको सिकोड़ के किरणें दिखाता है। अब जैसे तीन चार वाहन आ रहे हैं, अगर वो बड़े दिखाएंगे तो आप लोग तो हड़बड़ा जाएंगे, डर जाएंगे, टक्कर हो जाएगी, इसलिए वो थोड़ी छोटा सा बिंदु बन जाता है कि भैया पीछे से कोई वाहन आ रहा है। और जैसे हम लोग दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो जो उसका लेंस होता है या उसका वो लगा रहता है दर्पण, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल, क्योंकि उसको शेविंग करना है, अच्छा क्लीन दिखे, अच्छा बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद उत्तल
के बारे में बता दिया। अवतल इसका एक वीडियो में उत्तल अवतल का बता चुका हूँ, ज्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी में पृथ्वी से पश्चिम में घूमता है? शुक्र। शुक्र को भोर का तारा, शुक्र पृथ्वी की बहन, ये सब कहा जाता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है, हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा उच्चल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेमी उच्चल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगता है। नियर अबाउट लगभग बोले तो 498 सेकंड का समय लगता है। यानी आप इसमें करेंगे 6848, ठीक है, 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट 49 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, 8 मिनट 49 सेकंड का समय लगता है नियर अबाउट में। वैसे भी वीडियो 30 मिनट का हो रहा, पार्ट 3 में पूरा हो पाएगा, 15 तक पढ़ाएंगे, उसके बाद कल पढ़ाएंगे। लाइट चली गई, गर्मी लग रही है। बाद में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। और एक और अमेरिका ने हिरोशिमा पर, जापान पे किया था, वो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, वो पहला परीक्षण हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था, लिटिल बम और फैटमैन का, उससे भी क्वेश्चन आता है। कैंसर के उपचार में उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडान। अब रेडान क्या है? इसका सूत्र होता है हिने आर आर क्रक्स रन, यानी वायुमंडल में हिने आर क्रक्स रन रेडान जेनान ए अक्रीशील जेरोक्स रेडॉक अक्रीशील गैसों उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। मोनेजाइट वालों में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, इसको टीएच की संज्ञा दी गई है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी बहिस्रावी ये पीयूष ग्रंथि होती है सबसे बड़ी, क्योंकि उससे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं। बहिस्रावी अंतरस्रावी हो गया। अगर हार्मोन की बात करेंगे तो पीयूष होगा, और एक अग्नाशय होती सबसे बड़ी ग्रंथि, इंसुलिन हार्मोन निकलता है उससे। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली होता है, 10-20 टन के समथिंग वजन होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉल लैंड स्टीनर ने की थी। इनका पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4। एक ओ होता है जो सर्वदाता होता है, एक ए बी होता है जो सर्वग्राही होता है, एक ए होता है, और एक कौन होता है? बी होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख आयस कौन सा है? बॉक्साइड होता है, पूछा जाता है कृत्रिम हरवा स्पूतनिक फर्स्ट और पहला कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह की बात पूछे, एक और पूछा जाता है कि जो कृत्रिम हृदय का निर्माण किया था या कृत्रिम हृदय प्रतिस्थापित किया था, अगर विश्व में पूछा जाए तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और अगर भारत की बात की जाए तो भेड़ू गोपाल राय ने की थी। इतने क्वेश्चन तो बताता हूं मैं आपको। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो द्वारा। डायनेमो होता है ट्रैक्टर में, यांत्रिक ऊर्जा जो रहती है वो चलता है ट्रैक्टर, तो उससे चार्ज होता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइट जला देता है। डायनेमो से ही लाइट जलती है, ट्रैक्टर वगैरह में लगा रहता है। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस, और एक होती है रोम होती है, उसको रीड ओनली मेमोरी, इसको अस्थाई बोलते हैं। तो उसको इस क्या बोलेंगे? स्थाई, मतलब इसमें लिखा डाटा हार्ड उसमें सेव रहता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता 7 का सबसे खतरनाक होता है। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम है। किस ग्रह को शाम का तारा? शुक्र। पृथ्वी की सबसे निचली सतह को झोम मंडल, झोम मंडल, ट्रोफोस्फियर, झोम मंडल, स्टेटोस्फियर,
बायोस्फीयर वायुमंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह जो मंडल होती है। पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट। देशांतर होता है, अक्षांतर होता है, डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को बोला जाता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस क्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री बल। एक होता है अपकेंद्री बल और एक होता है केंद्रीय बल। एक सेंटीफ्यूगल होता है, एक सेंटीपेटल होता है। जैसे इनके कई सारे उदाहरण हैं कि जो जो कपड़ा धुलने वाली मशीन होती है वो किस पे कार्य करती है, जब मट्ठा भुआया जाता है तो मशीन किस पे कार्य करती है, धुईया परी, ये सब फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? अरावती पर्वत श्रेणी। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। मैं कुछ क्वेश्चन जो रिलेटेड होता है बनाने का जरूरी होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए बता देता हूँ कई सारे उदाहरण भी देके कि आप लोग याद रख सकें, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, याद की भी तो समस्या है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, और मई में क्या मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाए? जापान को। अंतर्राष्ट्रीय सबसे लास्ट में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? पूरब में, अरुणाचल प्रदेश में उगता है, तो वहां पे सबसे पहले दिन निकलेगा और सबसे लास्ट में दिन कब डूबेगा? गुजरात अहमदाबाद में, इस साइड जाएगा, इस साइड से आके इस साइड जाएगा पश्चिम में। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा में क्या है? समुद्र है। तो यही एक्सीटेड में भी क्वेश्चन आता है मछली अछली वाला गोवा का। ओणम, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम क्या है? एक चीज का त्यौहार, केरल है। ओणम किस राष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911, एक दिन के लिए इलाहाबाद भी आई थी। ओके, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। शुक्र का बहुत क्वेश्चन आता है, आप लोग जितने भी शुक्र से क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार उसको देख लें। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, एंथेरा टाइगर्स। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो पावुक स्टेटस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, कब हुआ? 2008। भारत का राष्ट्रीय फल आम, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो मैग्नीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, नीलम्बो न्यूसीफेरा। भैया एक क्लास 11th में साइंस बायोलॉजी से जो रहा होगा उसने वैज्ञानिक नाम और फाइलम संग कोऑर्डेटा नॉन कोऑर्डेटा ये सब पढ़े होंगे तभी ये सब याद रहते हैं, ठीक है भैया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। देखो बोलते हैं कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, आपके पास रहना चाहती हैं और किताबें जिंदगी बना देती हैं। एक पोएम है, किताबों पे मैं एक पोएम लिखूंगा। ओके, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है, मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, कलम राष्ट्रीय फूल कमल है, कलम है, कमल है, नीलम्बो न्यूसीफेरा। और अगर यूपी का पूछ लिया जाए तो क्या है? पलास, दो फूल वालों पौधा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है, बनियान ट्री भी बोलते हैं, मतलब। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। देखो हॉकी भी 2-3 प्रकार की होती है, जैसे आइस हॉकी हो गया, वो भी हो गया हॉकी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? झांसी में। सबसे पहले हॉकी,
जबकि हम लोग देखते जाना क्रिकेट है। और अगर यूपी का पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय खेल क्या है, क्योंकि यूपी प्लस यूपी से है, तो क्या है? कबड्डी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत किसने लिखा है? देखो, एक राष्ट्रगान होता है और एक होता है राष्ट्रगीत, तो इसमें कंफ्यूजन ना होने है। राष्ट्रगान जनगण मन कहलाता है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और एक कहलाता है राष्ट्रगीत, वो किसने लिखा है? बकरम चंद चटर्जी। गीत और गान में अंतर है, मात्राओं का खेल है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। एक शक संवत होता है, एक विक्रम संवत होता है। अब तो कई सारे संवत चलने लगे। नगर पालिकाओं में को मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? किस संशोधन द्वारा दी गई है? 74 में संविधान संशोधन द्वारा दी गई है। और जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं वो 14 से 18 हैं, ये मौलिक अधिकार हैं। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? मौलिक अधिकार है, क्योंकि 18 के बाद है ना। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। आप पंचायती राज दिवस से, जैसे यूपी का है तो उसके कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन मंत्री जी हैं पंचायती राज के, वो याद कर लेना है। केंद्र में कौन है, राज्य में कौन है, ये सब आप लोगों को देख के जाना है। जैसे अभी पंचायती राज का मतलब पंचायती राज विभाग किसको मिला है? अभी केशव प्रसाद मौर्य को मिला है। इससे पहले मिला था उन्हें, जो रोड वगैरह बनते थे, डामरीकरण होता था, वो सेंट्रल में जो रोड वाला है, जहाजरानी और वो उद्योग, जहाजरानी और जो हाईवे वगैरह बनता है, वो नितिन गडकरी। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और 50 में क्या किया गया? लागू किया गया। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लीजिए। क्यों आता है? कि ये निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। और देखो बीवी गिरी, इनका नाम है बीवी गिरी। गिरी मतलब गणना से है, कि जो दोबारा गणना हुई थी मतों की और फिर वो चुनाव जीते, तो वो कौन थे? वीवी गिरी। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तीन चार क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रपति से। जैसे एक तो देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन रहे? नीलम संजीव रेड्डी रहे। मतगणना दोबारा किसकी हुई वोटों की? तो बीवी गिरी की हुई। गिरी से गणना कोडिंग बना लीजिए। एक पूछा जाता है कि मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? ठीक है, बहरुद्दीन तैयब जी थे। ये तो आईएएस में भी 2013 में क्वेश्चन फ्री में पूछा गया था, मैंने दिया था जब। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया है? 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति पारित किया गया। इसके अध्यक्ष पॉकेट बीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट बीटो, क्या है पॉकेट बीटो? बीटो ज्ञान जल सिंह। देखो एक क्या हुआ था कि एक उसमें फंस गया था मैटर, ये क्या होते हैं पॉकेट बीटो वगैरह। जैसे कोई विधेयक है, अगर पहले क्या होगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? कोई भी बिल को 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद फिर विधानसभा में जाएगा, विधानसभा से एक बार फिर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा नहीं पास करती है तो 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति होता तो मतलब एक ऐसे ही है, बट उसके पास सारी शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को ब्रिटेन के अकॉर्डिंग। अब राष्ट्रपति क्या होता है? अगर उस अध्यादेश को अगर उसको लागू नहीं करना है, तो जैसे एक वो डाकखाना कोई विवाद बिल था, उसको रख लिया था उसने, तो वो वहीं पे उसको समाप्त कर देगा, उसको ये अथॉरिटी रहती है। और राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का
प्रमुख भी होता है। ये हो गया, वैसे तो रक्षा मंत्री होते हैं बट वो हो गया, और राष्ट्रपति के बारे में क्या, ये हो गया। और जो धन विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही पारित होते हैं। ओके डन। अब उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947। जनहित याचिका का जनक पीएन भगवती, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अस्थायी बताए दिए हैं सचिदानंदना। आप संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय देखो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक उच्च न्यायालय होता है, उसके बाद एक उच्चतम न्यायालय होता है जिसको एससी बोलते हैं, एससी बोले तो सुप्रीम कोर्ट जो कहाँ पे है, दिल्ली में। एक होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे यूपी का इलाहाबाद है, एमपी का क्या हो गया जबलपुर, उसकी खंडपीठ होती है। खंडपीठ क्या होती है, जैसे यहाँ की तो यूपी की लखनऊ है, एमपी की इंदौर ग्वालियर, ऐसे खंडपीठ भी बनाई जाती है। ओके, क्योंकि हम ये चीज बता देते हैं जो नियर अबाउट होती है, जैसे अपन लोग यूपी के हैं तो एक तो यूपी का पता रहता है, दूसरा बॉर्डर पर रहते हैं तो एमपी का पता रहता है। यहीं की वैकेंसी में हम लोग 90% फॉर्म फिल करते हैं। बिहार का देखो मैटर अलग रहता है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन रहे? एससी मुखर्जी हैं। ये बताओ, लाइट नहीं है रूम में, हम लोग इतनी गर्मी के बावजूद आप लोग पढ़ा सकते हैं तो आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं? संविधान सभा के कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों, अब एक क्वेश्चन इधर निकल के आता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में आया। एक भारत शासन अधिनियम होता है 1935 को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, 1942 को भी दी गई। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 339 थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मूल अधिकार अमेरिका से, ये सब पढ़ लेना है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? नीति निर्देशक आयरलैंड, हमें तो जो याद आता जाता है हम बताते जाते हैं। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। मूल कर्तव्य किसे की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर। एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या देना चाहिए? शिक्षा देना चाहिए, ना कि कारखानों में काम कराना चाहिए। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ, रूस से लिए गए हैं। आप लोग पीएस अकेडमी वाई प्रदीप सर को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिएगा। अब आप लोग कह रहे थे वीडियो कहाँ से दें? मैंने बोला था उस दिन 2 घंटे लाइव क्लास ली, कितने अच्छे से सारी जॉब के बारे में आप लोगों को प्रिपेयर कराया, किस जॉब में कितनी एज, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन, इसमें कितने पेपर, कैसे क्या होता है। आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने कोई लिख के दिया मोबाइल नंबर, कोई सीरियस हो तो बताओ। देखो मैं तो अपना काम करूंगा बट आप लोग भी थोड़ी बहुत सिंसियर रहिएगा, तभी आप लोग जॉब का सपना सच कर पाएंगे। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनांट थे। हीमोग्लोबिन की कमी से, अब हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब खून की कमी, कोबाल्ट होता है, साइनोकोबालमिन B12, तो डॉक्टर क्या करता है? साइनोकोबालमिन का ये सब ब्लड का एक सिरप देता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? नॉर्मल 11.5 से, ये सब 11.5 नॉर्मल, 13-13.5 मैक्सिमम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो आपका क्लॉटिंग वो जल्दी जमने लगेगा। नॉर्मल अगर मनुष्य को लग जाए भारत में तो कितने मिनट में थक्का बन जाएगा? नॉर्मल अगर चोट लगी है 8 मिनट में थक्का जम जाएगा। एक कोई महारानी साहिबा थी ब्रिटेन की, थी उनका नहीं जमता था। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत कोकिला जो कहलाती हैं सरोजनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाई? देखो कुतुब मीनार सीधा याद आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक लगा दीजिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको राष्ट्र वो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, साथ में सचिन तेंदुलकर को भी किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी में। और जो स्वामी विवेकानंद थे वो कहाँ पे भाषण देने गए थे?
शिकागो में गए थे 1993 में गए थे सर, तिरानवे। विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो जी और टी के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और दूध में क्या नहीं पाया जाता है? आयरन। आयरन बोले तो लोहा, लोहा बोले तो एफी। ओके। और विटामिन डी की कमी से किस में पाया जाता है आयरन सबसे ज्यादा? पालक में पाया जाता है, स्पिंच। इंग्लिश में वो बात करेंगे तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिसको सूगा रोग बोलते हैं। एक कौन सा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस और मलेशिया। ए होता है बच्चों में, होता है वृद्धों में। ऑस्टियोपोरोसिस मलेशिया दो रोग होते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। तो जिनको बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं, बांझपन की समस्या है, तो वो लोग क्या करेंगे? विटामिन ई। विटामिन ई कहाँ से होता है? अंकुरित, जैसे अंकुरित गेहूं हो गया, मूंग की दाल हो गई, चने, इनको रात में भिगो के रख दें और कपड़ों में वो करके उसको खा लें अंकुरित को। ओके। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल, साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, आजकल आयोडीन मिलके आता है नैनो के बराबर। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। NO होता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO। दक्षिण इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और सॉन्ड्स की हत्या की थी वो किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं, कहाँ से हैं? यूपी से हैं। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली भारत की पूछा गया पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। एक कोई और हैं, बंशीदी पाल वगैरह हैं। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और जैसे तानसेन का क्या नाम था? और एक और कवि हुए हैं जो एटा कासगंज के हैं, खुसरो करके हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। वेदों की ओर लोटो ग्रुप डी 2013 में एक क्वेश्चन आया था, इसको इंग्लिश में लिखा गया था तो बच्चे नहीं समझ पाए थे। गो बैक टू वेदास। वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। श्री वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। अरे यही मसाले भेजता था। अब बात आती है, वास्को डिगामा ने किसकी खोज की? भारत की खोज की। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। हवा महल भी है जयपुर में। और एक बार लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कि पंचमहल कहाँ है? वो भी जयपुर ही में है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी मनाया जाता है। लोह पुरुष, लोह मतलब ये ना समझ लेना लोहे को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन लोहे की मूर्ति कई छड़िया लगा के कहाँ बनाई गई है? गुजरात के अहमदाबाद में। लोह पुरुष कुमार, तो ये फिट बैठ गया। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को क्या हो गया था नेताजी का? वो हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हो गई थी क्रॉप, और इन्होंने बर्लिन कई जगह वो सब बनाया है, इनके बारे में पढ़ लेना। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। इधर से एक क्वेश्चन और आता है कि सप्तमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
अर्थशास्त्र की रचयिता चाणक्य कोटिल ने जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और हिंदी में भाषण देने वाले एक तो वो थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, सॉरी। और किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और नारा उन्होंने क्या दिया था? जय जवान जय किसान। आगे क्या जुड़ गया था? जय विज्ञान। फ्लो में पढ़ाते हैं, वोकल टाइट है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम की कमी किस कैल्शियम की कमी के कारण होती है? मतलब क्या होता है कि दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा। गुर्दा को बोलते हैं किडनी। यूरिक अम्ल फिर अमोनिया में ये जैसे ही हम लोग बाथरूम करते हैं तो जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तुरंत नाइट्रोजन से क्रिया कर लेता है और क्या होता है? अमोनिया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मूत्रालय होते हैं वहां गंद किस कारण आती है? अमोनिया के कारण गंद आती है। इतनी डिटेल में पढ़ा देते हैं यार, हल्के में ले रहे हो। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? मनोज सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात थे? सहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालचारी थे। अंतिम गवर्नर जनरल और क्या लगा हो उसमें? भारतीय भी लगा होना चाहिए। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के। एक कई संयंत्र लगाए गए हैं किसी किसी के सहयोग। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की। जिनको तवाई पीलिया के संघ का होता है। जब पीलिया होता है तो किसकी कमी हो जाती है? ब्लड, जल्दी से ब्लड की कमी हो जाती है। क्या होता है? यकृत। यकृत यानी लीवर। पीलिया तिल्ली। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल किसमें होता है? पत्तियों में होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक होता है सीएनजी। सीएनजी का मतलब क्या होता है? सीएनजी आप लोगों ने कहीं कहीं पर जैसे अली मऊरानी पर में रिलायंस पेट्रोल पंप लगा तो उसमें लिखा दाब युक्त गैस, समझे कभी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म बनाया गया हिंदी में। उसमें मैं सोच रहा था इसमें बैनर में दाब युक्त गैस क्यों लिखा है, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब भी इसमें गैस भरी जाती है सवारियां नीचे उतर जाती हैं और दाब के साथ गैस भरी जाती है। कम खर्चा आता है डीजल से इसलिए इस गैस को भराते हैं लोग। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख ज्यादा कहाँ पे हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कांसा कॉपर यूटेन स्वामी विवेकानंद ने सिकांगो। देखो ये आ गया, सॉरी मैं 1900 बोल दिया था, 1893 मेरे को बोलना था, गलती से 1903 बोल दिया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्वामी विवेकानंद ने सिकांगो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में। तो हम लोगों को तो पहले ही से विश्व गुरु हैं हम लोग। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम लगे ही हैं अपने विश्व गुरु बनाने में, बोले हैं सब। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली, वहाँ खून की होलियां। जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी लेकिन उसको भी निपटा दिया था बम फेंक के। बोले साहब उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और हम लोग कम मानते हैं 25 दिसंबर हो गया भैया, बोले आज बड़ा दिन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, जो कहाँ पे है? वाराणसी में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किसने था? लाला लाजपत राय ने। लाठीचार्ज हो गई थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का बात आया था 1927-28 विरोध हुआ। बात उन्हें थी प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र कौन होता है? ओम भूर्वस्वः तत्सवितु वरेण्यं भृगु देवस् धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद से लिया गया है। चलो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर कहाँ पूरी होती है? छोटी आँत। छोटी आँत इतनी बड़ी होती है कि रस्सी भी बन सकती है बट पेट में समती रहती है।
छोटी आंत में सबसे पूरा पाचन अधिकतर पाचन पूरा हो जाता है छोटी आंत में, एक बड़ी आंत भी होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इसको हेरिडिटी आनुवंशिकता और किसने मटर के पौधों पर किया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जब आप पेन को लिखते हैं निप वाले पेन पे तो पृष्ठ तनाव पर काम करता है, तभी वो खिसकता है कागज पे, चलता है, उसमें स्याही ऊपर से नीचे आती है। जैसे आप पेन दबाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण निप से जीवी निप लगा रहता था पहले पेन में, तो ऊपर से स्याही नीचे आ जाती थी। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेकिन अब हम लोग किसे स्टैंडर्ड हो गए हैं, बाल पेन बोले तो यही वाले पेन किसे पृष्ठी तनाव के, चलो पृष्ठी तनाव हो गया बाल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्षी कोमल पत्तियों को खाते हैं? शहतूत को खाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी, खेतड़ी एक प्रसिद्ध है काय के लिए? तांबे के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, स्टेनलेस स्टील किसकी में सुधाती होती है? आयरन की होती है, क्रोमियम की होती है, आयरन बोले तो AR, क्रोमियम CR, निकेल NI। लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद की निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो उधर अगर राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू लगाना, और अगर राष्ट्रीय कांग्रेस के जैसे अधिवेशन हुए थे ना, जैसे बेलगांव अधिवेशन में कौन बने थे? महात्मा गांधी जी रहे, कोई तिपरा में और कोई रोग रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष अगर बात की जाए तो बहरुद्दीन तैयब जी थे। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह। किस योजना को भारत विभाजन का नाम दिया गया है? माउंटबेटन योजना आई थी 1946 के समथिंग 42 में। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इसने गोली चलवाई थी ना जलियांवाला बाग कांड पर, ऊधम सिंह ने निपटा दिया था इसको। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उसके बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? JB मावलंकर थे। याद रखना है प्रथम लोकसभा, अभी वर्तमान में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी हैं, जो कि दूसरी बार चुने गए हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। स्थायी अध्यक्ष की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरल में। ए क्या है? ए नृत्य शैलियाँ हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कथकली केरल में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद बनर्जी हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। कब? 1913 में इनको मिला था। आज सोच रहे हैं इस क्लास को पूरा कर दें ताकि और मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मैंगनीज। श्रीलंका पुराना नाम सिलोन। विटामिन की खोज फंग ने। स्टेनलेस स्टील किसकी में सुधारती हुई? आयरन, क्रोमियम, निकल। कांसा किसकी में सुधारती हुई? कॉपर। एंड स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन 1833। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सब हो चुका है, ये दोबारा या शायद रिपीट हो। वायसराय का पद कब सृजित हुआ था? 1858 के अधिनियम में। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख कहाँ पर किया गया? प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका। भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, आहूत करता है? अनुच्छेद 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। संविधान सभा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का चार्टर एक्ट आए थे, तो 1935 का नियम है वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, वहीं से
सब माना गया है। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति की सिफारिश की गई है? लक्ष्मी लाल सिंह भी कुछ समितियां पढ़ लेना। 1935 के नियम को किसने दास्ता का अधिकार पद का? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी एन राव थे। विधि दिवस 26 नवम्बर को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग उल्लेख मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्रिमंडल चाहे जितना बना लो, जनसंख्या के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है और सीटों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का डिवीजन होता है। तो अभी वही है, परसीमन हुआ था तो जैसे जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना या 10 गुना 12 गुना इतना मंत्रिमंडल बनाते हैं। ये नहीं कि अपने मन से किसी को भी मंत्री बना दें और फिर उसका थोड़ी विस्तार कर दिया जाता है, ऐसे ही इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 में। 1 घंटा होने वाला है क्लास को। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबिंब बंद किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो ये जो हुआ था लाहौर अधिवेशन में। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। 61 में संविधान संशोधन। कोई अपनी डेट से जी को याद रखता है, जैसे किसी का जन्म 1989 में हुआ है तो वो याद रखेगा कि 1989 हमारा जन्म हुआ था और तभी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किसके संविधान के द्वारा? 61 में संविधान के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो भीमराव अम्बेडकर मुंबई से संविधान सभा में सदस्य थे। सबसे ज़्यादा डिग्री लेने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? बंगाली वेंकैया ने की थी। एक वेंकैया नायडू अलग है। आधुनिकवाद का मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत? किस आर्टिकल के तहत? 108 अभी ऊपर बताया था। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे कब? हुए थे 1951 में, 51-52 में आम चुनाव हुए थे। नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई। संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? प्रस्तावना में संविधान 42 में संविधान संशोधन द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 23-24। मौलिक अधिकार किस देश से? अमेरिका से। किस संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69 में संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। 69 मतलब वो दिल्ली का एक अलग राज्य कानून है, वो उसी पे लागू होगा, वहीं पे जो कुछ होना है वो अपना बनाते रहेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर का अलग रहता है, ऐसे दिल्ली का अलग रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत था? अंत के नियम द्वारा किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट आया था, उसके द्वारा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी भारत। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन में कितने सदस्य होते हैं? ये बहुत याद रखना है। लोक लेखा समिति वाला, लोक लेखा समिति होती है, जैसे इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल। लोकसभा में अगर टोटल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 22 है, 22। तो अगर अलग अलग बताना है तो लोकसभा में ज़्यादा रहते हैं जो कि 15 है, और राज्यसभा में कितने होते हैं? 7। तो 15 7 कितना हो गया? 22। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में हुई थी। कितने में हुई थी? 13 मई 1952 में हुई थी, क्योंकि जो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में तो स्टार्ट ही हुए थे, तो मई हम लोगों को याद रखना है। गोल क्रांति का संबंध कुछ इसमें क्रांतियों से क्वेश्चन है, वो आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखो इसी में मैराथन में कराए दे रहा हूँ कि गोल क्रांति क्या होती है। गोल क्रांति आलू से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? आलू से रिलेटेड होती है। आलू गोल तो नहीं होता है, बट उसको गोल की संज्ञा दी गई है। और नीली क्रांति, मछली पानी नीला रहता है तो मत्स्य क्रांति से होता है। भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से, यानी आजकल जो फर्टिलाइजर डल रहे हैं जैसे यूरिया वगैरह हो गया, तो उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति, रजत यानी चांदी बोलते हैं,
उसको बोलते नहीं कि गोल्ड मिल गया, सिल्वर मिल गया, कांस मिल गया। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से अंडे का तो सबूत रहता है। पीली क्रांति, पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद जो कृष्ण क्रांति है, कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा मछली से है। कृष्ण क्रांति भी याद रखना, ये भी पूछा लिया जाता है बायोडीजल उत्पादन से। बादामी क्रांति किसमें है, मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किसमें है, फल उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, अमृत क्रांति का संबंध है, अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। खाकी, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन न्यू आई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, फूलों की घाटी उत्तराखंड वर्ष 2009 निर्मित। राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। योजना आयोग का प्रधानमंत्री आयनी अकबर, अबुल फजल, होपमैन कप टेनिस, देशबंधु चित्रंजन दास अशोक चकतिलिया, ये सब पढ़ा चुके हैं। और राजा हरिश्चंद फीमर जाकी, मानव शरीर में टोटल हड्डियाँ 639। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि अंतस्राव भी अगर लिया जाए तो पीयूष होगा। भारत की प्रथम तेल शोधन संयंत्र साला डिगबोई असम में है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुली कुतुब शाह। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई थी। ठीक है भैया, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे। हाँ, तो ये कैसा रहा वीडियो आप लोगों को सजेस्ट करना है और बताना है कि सर और किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। जीके का रीजनिंग की भी क्लास आएंगी, चलता रहता है धीमे धीमे। चलिए तब तक के लिए हम लोग वाय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन दबा देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।